लेकिन अब मैं उस कवि को आपके बीच यहां पर आमंत्रित करना चाहती हूं जो राजनीति की सारी परेशानियों को हास्य की चाशनी में लपेट कर पहुंचाते हैं। राजनेता भी उन्हें बहुत ढूंढते रहते हैं, क्यों ढूंढते हैं उनकी बातें सुनकर आप समझेंगे। दीपक सैनी जी का स्वागत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं जब आया श्वेता जी तो लोगों ने मुझसे कहा इतनी गर्मी में कोट पहन के आए हो, मैंने कहा मोदी है तो मुमकिन है। अब हुआ है न्याय। मैं ठीक बता रहा हूँ सुदीप भाई, 2016 में मोदी जी ने नोटबंदी की थी, 2019 में वोटबंदी हो गई, वो भी GST काट के। मोदी जी के लिए मैं चार पंक्तियां सबसे पहले सुनाता हूँ क्योंकि जीत का दिन है, पीछे दाएं बाएं सब जगह मोदी जी हैं पूरे देश में। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तक भारत को मिला दिया, तुमने तो आके मुरझाए हुए कमल को खिला दिया। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तक भारत को मिला दिया, तुमने तो आके मुरझाए हुए कमल को खिला दिया। जो भी आया टकराने सबको भीतर तक हिला दिया, चाय पिलाने वाले ने सबको पानी पिला दिया। पॉलिटिक्स की बहुत टेंशन है, ये सब बहुत बड़े बड़े कवि, अरुण जैमनी जी इतने बड़े कवि हैं देश के, मैं सबसे छोटा कवि हूं इस मंच का। मेरा कविताओं में केवल इतना योगदान है जितना हमारी क्रिकेट टीम में अनुष्का शर्मा का। आप श्वेता जी को देखो और फिर मुझे देखो, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे सानिया मिर्जा के बाद मलिंगा देख लिया हो। अच्छा अरुण जी, मुझे मलिंगा सुन के एक अंकल वे भी हंस रहे जिनकी अपनी खोपड़ी जयसूर्या के जैसी है। बहुत टेंशन चल रही है, हम लोग दिल्ली में रहते हैं, हमारा दिल्ली के तो CM आपको पता है आजकल दिखाई नहीं दे रहे, वो गए कहां। वो बहुत बवाल काट रखा जी केजरीवाल, मैं आपको बता रहा हूँ सारे मिले हुए हैं जी ये लोग। मेरे सपने में आ गए श्वेता जी केजरीवाल जी, मैंने कहा भाई साहब प्रॉब्लम क्या है, ये नरेंद्र मोदी ने सारी EVM मशीनों में गड़बड़ी कर रखी है, ये सारी गड़बड़ी कर रखी है EVM मशीनों के अंदर, सारी खराब है, मैंने जांच करवाई है, इसकी जांच करवाई है मैंने, सारी खराब है ये। मैंने EVM मशीनों की जांच करवाई है, सारी खराब है। मैंने कहा जी कहां जांच करवाई है, मोहल्ला क्लिनिक पे। और जो लॉजिक केजरीवाल जी ने दिया, आपको लगे कि पूरी दुनिया में कोई नेता कितना ही पढ़ा लिखा हो इतना लॉजिक कोई दे नहीं सकता, कन्हैया कुमार भी नहीं दे सकता 7 जन्मों के बाद। मैंने कहा भाई साहब क्या हो गया, आपको पता नहीं है क्या गड़बड़ होती है, अरे जहां पे EVM मशीनें रखी जाती हैं स्ट्रॉन्ग रूम में, भाजपा वाले गड्ढा खोद के एक आदमी उसके अंदर बिठा देते हैं। वो आदमी रात को निकल के आता है, हमारी सारी वोट निकाल के पहले साफ करता है। मैंने कहा जी साफ क्यों करता है, क्योंकि हमारी बड़ी गंदी वोटिंग हुई है, हमारी सारी वोट निकाल के साफ करता है और भाजपा में डाल देता है, भाजपा जीत जाती है, करप्शन हो रहा है इस देश के अंदर, ये करप्शन हो रहा है। मैंने कहा भाई साहब प्रॉब्लम क्या है, कैसे करें इसको, चुनाव कैसे करवाएं, जो तरीका उन्होंने बताया चुनाव करवाने का दुनिया में कोई नहीं बता सकता। मुझे लगता है कि अब एक ही तरीका है दिल्ली में चुनाव करवाने का, देश में चुनाव करवाने का एक ही तरीका है, हम आम आदमी है, हम नेक आदमी है, अगर हम दिल से कह दे कि जीत रहे तो जीता हुआ मान लेना चाहिए। ये टेंशन है नेताओं की, सारे मेरी बहुत सारे नेताओं से बात होती सपने में, मेरी लालू जी से बात हुई अभी, मैंने कहा लालू जी क्या हो गया ये, नरेंद्र मोदी जो नरेंद्र मोदी है घर घर में बिजली पहुंचा दिया है, लोग लालटन फोड़ दिया, शत्रुघ्न सिन्हा जी बिहार में, शत्रुघ्न सिन्हा जी आराम से पैर पे पैर चढ़ाए हुए चश्मा लगाए हुए रिजल्ट देख रहे थे, किसी ने कहा शत्रुघ्न सिन्हा जी आप हार रहे हो, खामोश। इधर से क्या बोला, सर आप हार रहे हो, खामोश। कोई बोला सर हार गए, बेहोश। बहुत सारे नेताओं से मेरी बात होती है, अभी मोदी जी गए जोशी जी और आडवाणी जी से मिले अरुण जी, मेरी आडवाणी जी से बात हुई, मैंने कहा आडवाणी जी क्या हुआ, क्या बातचीत हुई आपकी, आपको लगे कि आडवाणी जी आज तक के स्टूडियो में आ गए तो मुझे तालियों से बताना। देखिए मैं समझता हूं कि मैंने दो बातें पूछी हैं नरेंद्र भाई मोदी से, पहली तो ये कि इतना बड़ा चमत्कार कैसे हुआ, दूसरा मैंने पूछा कि राष्ट्रपति का चुनाव कब है।
राजनाथ सिंह जी से मेरी बात हुई, मैंने राजनाथ सिंह जी से पूछा, मैंने कहा सर क्या हो गया देश में, इतना बड़ा परिवर्तन हुआ, कमाल आपको बधाई, तो आपको लगे कि राजनाथ जी यहाँ पे आ गए हो तो? अध्यक्ष महोदया, मैं समझता हूँ कि जहाँ तक प्रश्न हमारे देश की सरकार का है तो वह कोई प्रॉब्लम, जहाँ तक प्रश्न है तो नरेंद्र भाई मोदी का मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे देश में सारे नेताओं से वह बहुत आगे निकल गए हैं। मैंने कहा जी कितना आगे निकल गए? काफी आगे निकल गए हैं। मैंने कितना? कम से कम 56 इंच। राहुल जी का भी मस्त मामला है भाई साहब, वो भाषण देते थे कहाँ कौन से ट्रैक पे पहुंच जाते हैं उनको पता ही नहीं लगता। अभी पिछले दिनों भाषण दे रहे थे जब इनकी सरकार थी, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, मुझे एक भाषण याद है उनका, पहले 9 सिलेंडर मिलते थे उसके बाद 12 हो गए, अब राहुल जी का भाषण शुरू हुआ, भैया आपको पता है पहले 9 सिलेंडर मिलते थे, हमने 12 कर दिए हैं, अब 3 बढ़ा दिए हैं, 9 और 3 कितने होते हैं? किसने कहा 12। मेरी दादी भी यही कहती थी कि 9 और 3 12 होते हैं। आप भी कहते हैं 9 और 3 12 होते हैं, आपकी हमारी सोच कितनी मिलती है। एक और नेता थे श्वेता जी, मुझे बहुत दुख हुआ इस बार वो हार गए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनका भी अंदाज अलग ही है भाई साहब, बात करने का, भाषण देने का उनका अलग ही है। जब वो लोकसभा में विपक्ष के नेता थे तो चुपचाप बैठते थे, बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं वो, अच्छी अच्छी बात करते थे, लेकिन सामने से कोई ये कहते कि सोनिया जी और राहुल जी ने भी ऐसा ही किया था, फिर वो विकराल रूप धारण कर लेते थे। हमारे देश में नरेंद्र मोदी अच्छा काम करना, हम लोगों को मिलकर चलना, ये देश का जनता मिलके चलना, हम पक्ष विपक्ष को मिलके चलना, सबने मिलके काम करना, हम आपका साथ में हैं। लेकिन सोनिया जी, सोनिया गांधी के बारे में बोला, राहुल गांधी के बारे में बोला, तुम अब पता नहीं का सोनिया गांधी का हाथ देगा। चलते चलते अंत में 4 पंक्तियां मैं सिर्फ, क्योंकि आज मोदी जी का दिन है और उनको 5 साल की शुभकामनाएं देते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ, पिछले 5 साल में जो भी हुआ पॉजिटिव चीजें लेते हुए कि ऐसा होना चाहिए। चाय बेचने वाले को पीएम बनाया गया, गरीबों में देखो स्वाभिमान बढ़ने लगा, भारत माता की जय के नारे गूंजने लगे हैं, दुनिया में हिंदी का सम्मान बढ़ने लगा, एक स्वर में ही योग दिवस की बात मानी, UNO भी देखो प्राणायाम करने लगा, एक स्वर में ही योग दिवस की बात मानी, UNO भी देखो प्राणायाम करने लगा, कल तक बात भी जो करता नहीं था वही ओबामा तिरंगे को सलाम करने लगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्रिया।